फाइनली गाइस, फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में हम फ्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे एयरप्लेन के अंदर की कैसे माहौल है। तो आइए हमारे साथ, तुम आज से बैठना, पीछे बैठना, आगे बैठ दो, ठीक है? तो गाइस आपको दिखाते हैं, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं एक म्यूजियम है इंडिया गेट के पास, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, किसी ने बताया था हमको कि आप वहाँ जाओ, वहाँ का व्लॉग बनाओ, तो वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको कि, क्योंकि हमको खुद नहीं पता वहाँ पे क्या मिलेगा। हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं वहाँ पर, अभी देखो जाके क्या है वहाँ पर, जाके देखो। तो यार यहाँ पर तो हम पहले भी आए थे, आई थिंक ये तो जो हमने कपड़े डोनेट किए थे ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये वो वाली सड़क है, यहाँ बंद छोले भी खाए थे हमने, बंद छोले। फिर तो होगा यार, बंद छोले वाला होगा यहाँ पे, वो रहा यार। चलो लेते हैं, आते वक्त देखेंगे। और ट्रैफिक यार इस रास्ते हो गए क्या? आगे ट्रैफिक तो ये बंद छोले वाला, आगे बहुत ट्रैफिक है, ये बीच गली से निकल जाना है। वो भी कह रहे हैं कि बंद छोले खा के ट्रैफिक, तो बंद छोले ले ही लेते हैं। नहीं बंद छोले लेने भी यार, फिर इस रास्ते थोड़ी ना आना है। तुम बता, मुझे बंद छोले जहाँ दिखते है तो मुझे अच्छा ही लगता है, यहीं से ले लो। तो ये हमारे बंद छोले भैया, मिर्च ज्यादा डालना और खट्टा, जो चने अलग से होंगे ना उसमें खट्टा और मिर्च ज्यादा डाल देना। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं हमारे लिए बंद छोले। तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं बंद छोले रेडी, तो अभी भैया बनाएंगे हमारे लिए। तुम मिर्च कम खाओगे कि ज़्यादा? कम, इनके वाले में कम डालना मिर्च, मेरे वाले में ज़्यादा। तो ट्राई करते हैं, पहले भी भैया से बनाए थे उस टाइम, नहीं दूसरे थे, वो दूसरे थे। तो गाइस ये देखिए, अब ये बंद छोले हो गए रेडी, कम मिर्च वाला, ये तुम्हारा कम मिर्च वाला, कम मिर्च वाला, कोई नहीं, पकड़ के रखो। तो गाइस ये लोकेशन जो है ये आपका कैंट रोड है ना, वहाँ पर पड़ती है, या साथ में देखिए ये पार्क है सारा, काफ़ी रश है आगे, तो हमने सोचा रश में क्यों खड़ा होना है, इससे बेटर है कि हम बंद छोले खा लें। तो फिर हम बंद छोले खाने के लिए जा रहे हैं अब, क्योंकि पास में बंद छोले वाला ना, तो जब भी हम आते हैं यहाँ से बंद छोले खा के जरूर जाते हैं। तो ट्रैफिक में क्यों खड़े रहना, इससे बढ़िया है कि चलो थोड़ा पेट पूजा कर लें, उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक शायद तब तक कम हो जाए। तो हमने यू टर्न ले लिया है बैक साइड से, तो वहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसे बंद छोले तैयार किए जाते हैं। ये हमारे बंद छोले और ये मैंने अलग से अपने लिए चाट कराई। जब भी आप आओगे कचहरी चौक में कैंट की तरफ, तो ये बंद छोले जरूर खा के जाना, इसके बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 10 रुपीज से स्टार्टिंग है और 20 भी है, हमने 20 वाले कराए हैं, 10 वाले नहीं कराए। ये इसमें सामने चने की ये कितने के हैं? ये 10 के लिए गाइस मैंने, ये क्योंकि ये चाट, ये देखो प्रॉपर चाट है, मैंने इसको बोला था हरी मिर्ची और खट्टा तेज, बिकॉज मैं मिर्ची बहुत खाती हूँ। तो इसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम जो मैंने बताया आपको, तो मैंने बोला कि ट्रैफिक थी आगे, तो हमने सोचा तब तक बंद छोले खा लें, तो अब खा के फिर चलते हैं, ठीक है? तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जो ये 10 रुपए का लिया हमने, ये क्या था इसमें, छोले भटूरे टाइप थे, छोले भटूरे नहीं थे, प्याज प्याज चटनी वगैरह, इतना टेस्टी है ना कि अगर तो जो आप ड्रिंक करते हैं अगर इसके साथ खाओगे तो मैं मजा ही कुछ हो रहा है। बट अभी दोपहर के डिनर थोड़ी करते हैं हम, तो बट 10 रुपए में इतना टेस्टी आपको मिलेगा, वो लग नहीं रहा कहीं और मिलेगा। क्या 10 रुपए? 10 रुपए बोले, 10 रुपए से नहीं बोल सकते तुम। 10 रुपए क्या हो गया? ये मिलेगा आपको सिर्फ कचहरी चौक पे, कैंट के पास एक पार्क है, पार्क के बाहर बंदा लगाता है, बंदा लगाता है और रेडी, वो मतलब कि बंद छोले बेचता है और साथ में 10 रुपए देता है। देखिए 10 रुपए के टेस्टी बहुत है, हमने लंच करना था, लंच नहीं किया, अब ये इसमें पेट भर गया हमारा सारा। तो तुम खा गए हो, मैंने ये बनाया था अपने लिए, मेरे लिए रहने, इसको ट्राई करती हूँ, ट्राई क्या करना, मुझे वैसे ही टेस्ट लगता है ये। तो गाइस जब भी आप टेंट पे आएंगे तो उसको जरूर खाइए, टेस्ट कीजिएगा। नहीं मैंने बस बहुत खा लिया, तो ये 10 रुपए का है, फिर 10 रुपए सस्ता है और अच्छा है। तो गाइस ये बताना चाहते हैं कि 10 रुपए में आता क्या है, वही बता रहा हूँ मैं आपको, हमने लंच नहीं किया, मैंने ये खा लिया, पेट भर गया और साथ में बंद छोले खाए थे हमने, वो काफी टेस्टी है।
तो 10 रुपए में यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको अमृतसर में, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो उसको जरूर टेस्ट कीजिए और जरूर आए। तो गाइस ये देखो क्या कर दिया यार, गाइस करके तुमने मेरे ही गिरा दिया है। तुम खा रही हो, गिरा रही सारे पैंट में लपेटी जा रही हो। जाओ यार, तुम्हें पता लगता है नहीं तुम्हें कुछ, ऐसे हाथ मार के तुमने मेरे गिराया। तुमने जल्दी खाओ, आगे जाना भी हमने, टाइम भी हो रहा है। मैं ये बीच में पड़ता है साडा पिंड, जो कि ये भी बहुत फेमस जगह है यहाँ पर, तो हमने अभी बाहर से देखा, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। तो यार पता नहीं लोग रॉन्ग साइड से क्यों जा रही, इतना घुमा फिरा के पता नहीं। तो ये गाइस पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग खा रहे हैं, लंगर लगा हुआ है। लंगर लगा, ये कैसा लंगर, टेबलों पे बैठ के खा रहे हैं? हाँ नहीं, लंगर ही लगा है, पूरी दिखी मुझे। तो ये फ्लाईओवर, हम चढ़ रहे हैं फ्लाईओवर में, हमारी गाड़ी चल रही, थोड़ी स्लो चलाओ यार, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? यहाँ पे तो ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक नहीं होता, कुछ पता थोड़ा होता है, देखो उल्टा पुलिस वाला ने पीछे वो कर रखा है, उसकी वजह से हम रॉन्ग साइड है। चलो थोड़ा स्लो करो यार। तो गाइज हम शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड जा रहे हैं अब, तो बड़ा ट्राई करना, पुलिस वाले आपको पकड़ सकते हैं। जो हमें पकड़ लिया फिर कोई बात नहीं, देखी जाएगा, उनकी परवाह है। अब क्या तो... करें यार, शॉर्टकट जल्दी पहुंचना है ना फिर। वैसे गाइज शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, आज ही अपना के पुलिस वाले खड़े, मैं तो बहुत, ये देखिए पुलिस वाले, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं। तो ये है गाइज जहाँ मैंने आपको बताया था कि म्यूजियम है, तो अब एंट्री करेंगे। यहाँ पे टिकट है 150 पर हेड, तो पूछते क्या सिस्टम है। तो गाइस ये बोल रहे हैं भाई टिकट वहाँ से कटेगी। तो गाइस ये देखिए एरोप्लेन मिला हमको यहाँ पे, सबसे पहले मैं ही बैठती हूँ इसमें, मैं ही उड़ जाऊँ। तो अब हम इसमें अब उड़ेंगे, अब इसमें उड़ेंगे फ्लाई करेंगे। तो गाइस ये देखिए अब ये सारा एरिया जो है उसका, अपना म्यूजियम का है। हमने अंदर नहीं गए हम। ये गाइस पंजाब स्टेट वॉर हीरोज का जो मेमोरियल म्यूजियम, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो ये देखिए सारा उसका व्यू। तो गाइस हम अंदर नहीं गए हैं, अंदर उन्होंने बोला सिर्फ म्यूजियम होगा, तो हमने 150 इसकी टिकट थी, वो बोल रहे बाहर आप बना सकते हैं वीडियो वगैरह, कोई इशू नहीं है, हमने 150 खर्चने उतना खा भी लेंगे। तो हम अंदर नहीं गए, हम अंदर वही आपको पता है म्यूजियम वगैरह में है, और तो हमने सिर्फ बार बार से वीडियो बना रहे हैं। तो बाहर जब भी आप बाहर फ्री है, कोई चार्जेस नहीं पड़ते बाहर आने घूमने के। ये सारा एरिया है देखें, ये सारा एरिया है, ये देखिए फ्लैग हमको यहाँ मिला है एरोप्लेन। तो ये सारा एरिया है म्यूजियम का, ये सारा आउटसाइड है, इनसाइड हम लेने गए। ये सीन करो, टाइम आ चुका है फ्लाई करने का। तुम उधर से बैठो, मैं यहाँ से इधर बैठ दो ना, तुम उधर से बैठो। तो प्लेन पे जाएंगे गाइस, अब दिखाएंगे आपको, आराम से बैठना बेल्ट लगा के। तो ये देखिए गाइस 227 अब रेडी हो चुका है। तो गाइस प्लेन रेडी हो चुका है, तो अब फ्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो ठीक है बेल्ट लगा के रखना, चलो लगा के। तुम भी आओ ना साथ में बाद में। नहीं नहीं पहले तुम जाओ। नहीं नहीं यार दोनों इकट्ठे जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। चलो फिर कोई नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ। काफ़ी मजा आया हमको प्लेन फ्लाई करके, जिसकी टिकट है आपकी 100 रुपीज़, 5 मिनट तक घुमाएंगे आपको आसमान में। आप भी आओ और यहाँ पे फ्लाई का आनंद लो। यहाँ पे अगर आपने वीडियो वगैरह बनानी है, शूट करना है, तो काफ़ी अच्छा है ये लोकेशन, काफ़ी अच्छी है। ये देखो ये है आपका इंडिया गेट के पास म्यूजियम है, अंदर की टिकट है 150 है, बाहर आप वीडियो वगैरह कुछ बना सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं इसके। तो काफ़ी अच्छा है, हम जा रहे हैं अब, टाइम काफ़ी हो गया है, चलो यार लेट हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब हम वीडियो को कर रहे हैं एंड। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।